हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन स्टडी माय वे। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कौटिल्य की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसको लेकर आने में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। थोड़े से कुछ पर्सनल काम थे इस वजह से। बट हमारा जो अभी फोर्थ पार्ट था कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी से डिस्कस करना था हमको, तो आज हम वही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो मंडल योनि है उसके अंदर हमको कौटिल्य की मंडल थ्योरी है उसके बारे में पता चलता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडेक्स। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रोजगार निर्माण की जो क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी कंपाइलेशन स्टडी मैं वे आप सभी के लिए लेकर आया है। तो ये जो इसका सैम्पल पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है वाकई में। इसके जो क्वेश्चंस होंगे अगर आप रिपीटेडली रिवीजन करते हैं, प्लस इसमें कोशिश की जाएगी कि हम अगले एडिशन से इसके हर एक क्वेश्चन में जो आपके तीन ऑप्शंस रह जाते हैं उनके एक्सप्लेनेशन को लेकर जरूर आएँ। उससे क्या है, आपके एक ही क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शंस डिस्कस हो जाएंगे। तो ये बुक को ज़रूर देखिएगा और दिए गए नंबर पर आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले देखने वाले हैं हम इसका इंडेक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स में जैसे आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमको डिस्कस करना है आज के वीडियो में मंडल थ्योरी, जिसे हम राजमंडल सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स फोल्ड डिप्लोमेसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसे हम षडगुण्य नीति भी कहते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि फॉरेन पॉलिसी के जो छह तरीके होते हैं जिससे डिप्लोमेसी को चलाया जाता है वो क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर उपाय, इनको इंग्लिश में उपायास भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे स्पाइस के बारे में, स्पाइस आप गुप्तचर भी कह सकते हैं। उसके बाद वार्स एंड विक्ट्रीज, तो जितनी भी जंग होंगी या जितनी भी जीत होती हैं उनके नाम क्या क्या हैं और इन्हें कैसे डिस्कस किया गया है उसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मंडल थ्योरी के बारे में। देखिए, मंडल थ्योरी क्या होती है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में या उससे पहले अगर बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर एक फुल फ्लेज आपको स्टेट को कैसे चलाना है उसके बारे में बताया गया। स्टेट में बहुत सारे स्टेट के फ्रेंडली कंट्रीज भी होती हैं और बहुत सारी एनिमी सिटीज भी होती हैं, उनके साथ बैलेंस करके कैसे आपको अपने स्टेट को एक्सटेंड करना है वो बताया जाता है। तो मंडल थ्योरी में देखिए क्या लिखा है, सर्कल ऑफ स्टेट्स, मतलब ऐसा गोल चक्र किसका, स्टेट्स का, इन विच किंग एज द एस्पिरेंट ऑफ विक्ट्री, किंग एक सेंटर ऑफ द स्टेट है, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके स्टेट का एक्सपेंशन भी हो, साथ में उसके जो भी एनिमीज हैं उनको वो हरा के एक्सटेंशन लेता जाए और फ्रेंडली कंट्रीज को अपने पक्ष में रखे। तो क्या बात कर रहे हैं, एंड क्रिएट्स अ सर्कल ऑफ अदर किंगडम्स अराउंड हिम, ऑब्वियसली यहां पे एक्सटेंशन की बात कर रही है ताकि वो अपने बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर सके। इसमें डिस्क्राइब क्या है, सर्कल ऑफ फ्रेंडली एंड एनिमी स्टेट्स सराउंडिंग द किंग स्टेट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो कि आपने देखा, योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी। तो ये पता ही होना चाहिए कि अगर कोई भी स्टेट है उसका सेंटर किंग अगर चाहता है कि उसकी बाउंड्री एक्सटेंड हो, तो वहीं अगर उससे बाउंड्री से लगा कोई दूसरा स्टेट है तो वहां पर भी कोई एक किंग होगा और वो भी सेम थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ रहा होगा, वो भी चाहता है कि अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करे। इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर दो लोग एक ही चीज चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपस में ही एक दूसरे की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करेंगे। तो डेफिनेटली इसे समझ में क्या आया कि जो भी स्टेट का नेबर है वो नेचुरल एनिमी बन जाता है यहां पर, और उसी एनिमी का जो नेबर होगा वो फ्रेंड हो जाता है। कैसे हो जाएगा कि जैसे इंडिया है और फिर पाकिस्तान है और उसके बाद अफगानिस्तान है, तो हमारे अफगानिस्तान के साथ कैसे संबंध है और पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू में देखिए, मंडल थ्योरी को उन्होंने सबसे पहले तो बता दिया एक सर्कुलर रीजन। इस सर्कुलर रीजन जो है इसमें 12 तरह के स्टेट होते हैं या हम किंग की तरह उनको बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसमें आप स्टेट या किंग दोनों में किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। मेनली हम बात करते हैं किंग की, क्योंकि जो भी स्टेट को चलाने वाला है वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपको पूछा जाएगा कि मंडल थ्योरी कहां से मिल रही है, तो वो सेकंड चैप्टर इन सिक्स अधिकरण, अर्थशास्त्र के छठवें अधिकरण के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ते हैं मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य। मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन मोनार्की,
ऑब्वियसली जब भी हम मोनार्की की बात कर रहे हैं तो वहां पर यही मेन प्रिंसिपल है कि कैसे आपको अपने स्टेट को सुपर पावर बताना है। मंडल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मंडल थ्योरी क्या चाहता है कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी हो, जो भी स्टेट है उसका किंग क्या चाहेगा कि वो सिक्योर्ड हो उसके फोर्टिफिकेशन के थ्रू, साथ में वो स्टेट को जितना ज्यादा एक्सटेंड कर सके वो अपना कर सके। तो इंटर स्टेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहां निकल कर आता है। उसके बाद हमने देखा सिक्स फोल्ड पॉलिसी टू इंटरैक्ट विथ नेबर्स, वो षड्गुने पॉलिसी जो हमने अभी डिस्कस करनी है आगे। उसके बाद है लोकेशन ऑफ स्टेट्स, कैन ऑल्सो लोकेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं हम कि कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड इन स्टेट लाइन। देखिए सर्कल ऑफ स्टेट्स है तो सर्कल ऑफ स्टेट्स को हम एक स्टेट लाइन में भी पढ़ने वाले हैं, वो आगे देखेंगे। और साथ में इसकी नेमिंग जरूर पढ़ने वाले हैं कि जो 12 किंग की हम बात कर रहे हैं वो हर एक सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकती है। आज अगर कोई एक स्टेट है तो जरूरी नहीं है कि अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो जब भी हम नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो तब उसके केस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका मंडल थ्योरी इन स्टेट लाइन। मंडल थ्योरी इन स्टेट लाइन में सबसे पहले जो सेंटर ऑफ स्टेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो किंग है हमारा किंग, जो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं वो है विजिगिशु। विजिगिशु ये आप स्टेट भी समझ सकते हैं इसको, या किंग की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम राजा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें समझना है मंडल थ्योरी। अब आपको यहां पर स्ट्रेट लाइन में एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा, एक तरफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपको दिख रहा है अरी। अरी जो है, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहला नेबर, इंस्टेंट नेबर, तो ये क्या हो जाएगा, हमने कोर्ट में पढ़ा था, नेचुरल एनिमी। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या दिख रहा है आपको, अरी का जो नेबर है वो क्या है, मित्र। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये पढ़ा था कि विजिगिशु का जो इंस्टेंट नेबर होगा वो विजिगिशु का नेचुरल एनिमी हो जाएगा, मतलब हमारे किंग का नेचुरल एनिमी। पर हमारे एनिमी का जो इंस्टेंट नेबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंड। तो मित्र का मतलब भी फ्रेंड होता है, इससे याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। मित्र के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अरी मित्र। अरी मित्र मतलब क्या हो गया कि अब ये जो अरी है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो अरी का जो नेबर है वो इसका एनिमी, और मित्र का जो नेबर है वो किसका फ्रेंड हो जाएगा, अरी का फ्रेंड हो जाएगा। तो हमने इसलिए बोला अरी का मित्र। ये एक प्रोसेस है, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपको फिर कभी भी इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि हम इसे यही याद कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, अरी मित्र के बाद आपको क्या दिख रहा है, मित्र मित्र। अब देखिए अरी मित्र का इंस्टेंट नेबर है मित्र मित्र, तो मित्र तो एनिमी हो गया अरी मित्र का, पर ये दोस्त किसका होगा, मित्र का, इसलिए क्या बोला है, मित्र का मित्र। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो मित्र मित्र का एनिमी क्या हो गया, अरी मित्र मित्र, पर ये अब ये फ्रेंड तो किसी का होगा, तो ये फ्रेंड किसका हो गया, अरी मित्र का। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले विजुगिशु के अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है अरी, अरी के बाद दिख रहा है आपको मित्र, फिर उसके बाद दिख रहा है अरी मित्र, फिर मित्र मित्र, और उसके बाद है अरी मित्र मित्र। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, विजिगिशु का इंस्टेंट नेबर हमेशा विजिगिशु का क्या हो जाएगा, नेचुरल एनिमी। पर उसी का जो नेबर होगा, मतलब हमारे दुश्मन का जो नेबर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा दोस्त हो जाएगा। लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझ में आ दूं कि आज इंडिया है तो इंडिया का इंस्टेंट नेबर है पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या हो गया, हमारा नेचुरल एनिमी हो गया, दुश्मन है हमारा। पर पाकिस्तान का जो इंस्टेंट नेबर है वो क्या है, दोस्त है, उससे तो हमारे संबंध अच्छे हैं। बस इसी तरह से आपको समझना है। बिल्कुल ऐसे ही हम पीछे जो दिए हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में वो दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल यही जाएगा, बस इसकी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। नेमिंग के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विजिगिशु के इंस्टेंट नेबर कौन है, पार्शनी ग्रह। ये नाम भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट आप पढ़ते रहेंगे तो ईजी हो जाएगा, पार्शनी ग्रह। पार्शनी ग्रह के बाद क्या है, अक्रंता। तो इंस्टेंट नेबर क्या हो गया, पार्शनी ग्रह, ये हमारा एनिमी होगा हमेशा, और पार्शनी ग्रह का जो इंस्टेंट नेबर होगा अक्रंदा, वो हमारा क्या हो गया, दोस्त हो गया। अब अक्रंदा का जो नेबर है वो हो गया क्या, एनिमी, इसका नाम दे दिया है पार्शनी ग्रह सार, और पार्शनी ग्रह सार का जो एनिमी हो गया वो क्या हो गया, अक्रंदा सार। तो अक्रंदा सार और अक्रंदा ये दोनों क्या होंगे, दोस्त होंगे। ऐसे ही अक्रंदा और विजिगिशु क्या होंगे, ये दोनों दोस्त होंगे। ऐसे अगर हम इस साइड भी देखेंगे तो विजिगिशु और मित्र क्या होंगे, दोस्त होंगे। ऐसे मित्र और मित्र मित्र ये दोस्त होंगे। अब दो कॉन्सेप्ट और आपको समझना है, वो है माध्यम। तो देखिए माध्यम जो होगा वो हमेशा वो कंट्री होगी जो विजिगिशु और पार्शनी ग्रह के बीच में होगी। दासीन का आपको दिख रहा होगा,
राइट हैंड साइड में ऊपर देखिए, वहां पे सामने लिखा हुआ है पावरफुल। पावरफुल से क्या मतलब है? यूएस, यूएस एक पावरफुल कंट्री है, तो यूएस को हम बोलेंगे उदासीन। वो ऐसी कंट्री जो सबसे पावरफुल है और उसके साथ कोई भी संबंध खराब करना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? इंडिया भी चाहता है कि उसके संबंध यूएस के साथ अच्छे रहे। क्यों? ताकि कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे इंस्टेंट नेबर के साथ वार जैसी चीजें आती हैं, तब वहां पर अगर सुपर पावर का साथ अगर हमको मिल जाएगा तो हम जंग जीत सकते हैं। इसलिए उसके साथ वॉर नहीं करनी है, उसके साथ ट्रीटी करनी है। ये भी एक कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे। यही वाला जो कॉन्सेप्ट है अब आपको सर्कल ऑफ स्टेट्स में एक बार समझ में आएगा। ये देखिए, सर्कल ऑफ स्टेट्स में जनरली मंडल थ्योरी को दिया जाता है, तो उसी में ये कोशिश की गई है। अब आपको सेंटर में दिख रहा है विजय गिशु, आपको इस डायग्राम से शायद और अच्छा समझ में आ जाए। विजय गिशु का जो दुश्मन होगा सबसे पहले कौन होगा? अरी। अरी मतलब दुश्मन, और अरी का दुश्मन होगा वो कौन हो जाएगा? सर्कल ऑफ स्टेट्स में आपको दिख रहा है विजय गिशु, तो विजय गिशु का जो दुश्मन हो गया वो हो गया अरी, और अरी का दुश्मन क्या हो गया? हमारा दोस्त, हमारा या विजय गिशु का दोस्त मित्र। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको माध्यम जो दिख रहा है विजय गिशु और अरी के बीच में है, और उदासीन को हमने अलग रखा हुआ है। ये डायग्राम अच्छे से आपको याद करना है और अपने पास बना के भी रखिएगा, क्योंकि ये डायग्राम हेल्पफुल हो जाता है एग्जाम में जब आप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 11 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो 11 नंबर में आपके पास अच्छे खासे इसके पॉइंटर्स होने चाहिए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 12 स्टेट्स या किंग्स की, तो अभी हम पढ़ भी लेते हैं। तो ये देखो, इससे आपको क्या हो जाएगा, एक एक करके हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। इससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा पूरी मंडल थ्योरी। विजय गिशु क्या है? जो चाहता है जीतना, जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है, पूरे दुनिया को जीतना चाहता है, वो हो गया विजय गिशु। ठीक है, उसका दुश्मन हो गया अरी, उसका दोस्त हो गया मित्र, और उसके दुश्मन का दोस्त कौन हो गया? अरी मित्र। फिर उसके मित्र का मित्र कौन हो गया? मित्र मित्र। अगर ये जल्दी लग रहा हो वीडियो, तो इसको आप दोबारा से देखेंगे ना, अगर ये वीडियो आपने दो बार देख लिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट फिर कभी भूलेंगे नहीं आप। फिर आपको अरी मित्र मित्र दिख रहा है, मतलब क्या हो गया? ये दुश्मन के दोस्त का दोस्त हो गया। ठीक है, फिर पाशनी ग्रह जो अब नीचे साइड में आ रहे हैं, तो ये नीचे साइड में आपको पाशनी ग्रह दिख रहा है, ये हो गया हमारा पीछे साइड वाला जो दुश्मन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, आगे हमसे जो कंट्री टच हो रही है, जैसे इस साइड हमारे पास कौन से, चीन की बॉर्डर लग रही है, इधर से आप अरी समझ लीजिए, और पीछे पाकिस्तान है, तो वहां पर आप पाशनी ग्रह समझ लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा ये। पाशनी ग्रह जो है उसका दुश्मन हो गया आक्रंदा, जो कि हमारा दोस्त है। पाशनी ग्रह सार जो है ये किसका दुश्मन होगा और दोस्त होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पाशनी ग्रह सार मुझे बताइएगा और आक्रंदा सार मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो माध्यम है, देखिए माध्यम में क्या एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, ये एक मिडिल किंग होगा या फिर आप स्टेट समझ लीजिए। तो मिडिल किंग है जो कि बिटवीन स्टेट एंड एनिमी एंड स्ट्रॉन्गर देन बूथ। माध्यम में एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो विजय गिशु और अरी के बीच में होगा, पर ये दोनों से पावरफुल होगा। और यहां पर उदासीन में क्या है, ये सबसे अलग देश होगा। यूएस क्या हमारी किसी बाउंड्री से लगता है? नहीं लगता है, दूर है ना, काफी दूर है, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब ये विजय गिशु से भी ज्यादा स्ट्रांग है, अरी से भी और माध्यम से भी। माध्यम का याद क्या रखना है, विजय गिशु और अरी से ज्यादा स्ट्रांग होगा माध्यम। ठीक है, और उदासीन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। रहे हैं चार मंडल के बारे में, तो कौटिल्य ने चार मंडल जो दिए हुए हैं वो इसी टाइप से, जैसे फर्स्ट पहला मंडल जो है इसमें हमने बात करी है विजय गिशु और उसके दोस्तों के बारे में, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया पीछे। सेकेंड मंडल जो है जिसमें हम अरी और पाशनी ग्रह के बारे में बात करते हैं। थर्ड मंडल जो है उसमें माध्यम और दोस्त के बारे में बात करेंगे, और चौथे मंडल में हम उदासीन और उसके दोस्तों के बारे में बात करते हैं। तो ये चार मंडल आपको ऐसे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो सिक्स मेथड्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जो हम सिक्स फोल्ड पॉलिसी पढ़ते हैं या षडगुण्य पॉलिसी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि आपको ऐसे कौन से टैक्टिक्स हैं जो यूज करने हैं व्हाइल यू इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्क्वरिंग द वर्ल्ड। तो देखिए, सबसे पहले दी हुई है संधि। जहां लड़ाई नहीं हो सकती वहां संधि करनी है, हर जगह नहीं लड़ाई करनी है। इसमें सोर्सेस का नुकसान होता है, आपके आर्म्स का नुकसान होता है, प्लस आपके जो मैनुअल लेबर्स हैं उनका नुकसान होता है। तो हमको हर जगह वॉर नहीं करनी है, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जहां पर संधि से काम बन सकता है वहां पर ट्रीटी यूज करना है। विग्रह, संधि के बाद आ रहा है विग्रह। विग्रह
यूज्ड व्हेन विजिगीशु इज स्ट्रॉन्गर देन एनिमी, ये नोट बहुत ध्यान से रखिएगा। हम लड़ाई उसके साथ करेंगे जहां हमें कंफर्मेशन हो कि नहीं हम वहां पे लड़ाई जीत ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम अपनी सामने वाली जो स्टेट है या पार्टी है उससे हम ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आसन, ये इसके इंग्लिश में आपको मीनिंग भी दिए हुए हैं। संधि का मतलब पीस ट्रीटी है, विग्रह का मतलब हॉस्टिलिटी है। उसके बाद आसन, तो आसन में आपको बताया है रिमेनिंग क्वाइट। सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि लड़ाई करने से पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है, तो यहां पर आपको शांत रहना है और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यान, अब यान का मतलब ये होगा कि आपको मिलिट्री एक्सपीडिशन तैयार करनी है। आपको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है युद्ध का, तो आपको क्या करना है, पहले तो शांति से ऑब्जर्व करना है अपनी अपोनेंट को, उसके बाद फिर अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन उससे ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है, ताकि जब भी मौका आए वॉर का तब हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहें। उसके बाद है संशय। संशय का मतलब यह होता है कि सीकिंग शेल्टर यहां पे बोला हुआ है। सीकिंग शेल्टर मतलब कि आपको लगता है कि आपको किसी एक पार्टी से वॉर करनी है, पर आपको ये लग रहा है कि नहीं अभी आप तैयार नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी अगर बैकएंड में कोई एक अच्छा सपोर्ट हो तो आप इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, तब हम सीकिंग शेल्टर की बात करते हैं। हम किसी एक कंट्री का शेल्टर यूज करते हैं जिससे कि अगर हमारे साथ कभी कुछ इश्यू आए तो हम उसे अच्छे से डील कर सकें। द्वधि भाव का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि आपको एक स्टेट के साथ संधि करनी है जबकि दूसरी स्टेट के साथ आपको विग्रह करना है। तो संधि और विग्रह का जो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट है वो आपका द्वधि भाव है। तो आपने क्या पढ़ लिया, संधि पढ़ लिया, विग्रह पढ़ लिया, आसन पढ़ लिया। आसन मतलब आपको अभी ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके बाद आपने पढ़ लिया यान, यान के बाद है संशय और उसके बाद द्वधि भाव। देखिए अब बात कर रहे हैं हम चार उपाय के बारे में। तो ये जो चार उपाय हैं ये क्या है, ये वेज टू रीच अ सॉल्यूशन इन स्टेट पॉलिटिक्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर सिचुएशन, लड़ाई और या युद्ध जैसी जो भी आपके सिचुएशन आती है उनको अवॉइड करने के लिए ऐसे क्या चार उपाय हैं जिन्हें यूज करने से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, पॉलिटिकली सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये रूट वर्ड यहाँ पे दिया है, उपाय से ये निकला हुआ है। चार उपाय की बात करें जैसे साम, दाम, दंड, भेद। भेद या दंड, ये जो चीजें हैं आपको लगता है तीसरे या चौथे पे क्यों रखी गई है, इसलिए रखी गई है ताकि सबसे पहले शांति से वार्तालाप हो। हमने देखा होगा कितनी बार पाकिस्तान से पहले शांति वार्तालाप ही करी है, उसके बाद जहां लगा कि नहीं अब मौका है कि नहीं आप नहीं समझ पा रहे हो, उसके बाद ही हम कोशिश करते हैं कि हाँ युद्ध जैसी चीजें जो हो वो हो सकती है। नहीं तो हमेशा हमने देखा होगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी हमने अपनी नॉन वायलेंस की पॉलिसी सबसे पहले रखी है, कि फर्स्ट पॉलिसी हमारी नहीं है कि हम सामने से इनिशिएट करेंगे किसी भी वॉर को। तो साम का मतलब होता है कंसीलिएशन और अलायंसेस, मतलब आप आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। दाम मतलब अगर बातचीत से नहीं हो रहा है तो आप कुछ ऐसे कंपनसेशन देना चाह रहे हो, गिफ्ट देना चाह रहे हो, या वैल्यूज पे करके आप सामने वाले को कोशिश कर रहे हो कि आप स्टेट को एक्सटेंशन की बात हो रही है यहां पर, समझिएगा। स्टेट को एक्सटेंड करना है तो सबसे पहले तो आप जाके बात करेंगे कि आप हमारे अंडर में आ जाइए। अगर वहां पर भी नहीं होती है बात तब आपको क्या करना है, कंपनसेशन देना है। कंपनसेशन के लिए आप वो उनका जो स्टेट है उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, मटेरियलिज्म है, उसके वैल्यू को आप पे करने के बाद आप एक्सटेंड कर रहे हो। उसके बाद आता है दंड। दंड मतलब आता है अब आप फोर्स का या आर्मामेंट्स का यूज कर रहे हो, क्योंकि वो लास्ट रिजॉर्ट में, वहां पे देखिए सामने लिखा भी हुआ है लास्ट रिजॉर्ट। क्या मतलब है इसका, कि हमें उसको सबसे बाद में यूज करना है। और भेद मतलब यह होता है कि आप किसी तरीके से लॉजिक या ट्रिकी चीजें यूज करो, कुछ ऐसी कमजोरी उसकी पता करो सामने वाले अपोनेंट की, जिससे आप उसको वहां पर उस चीज के थ्रू आप अपनी अप्रोच उसके सामने रख सको। ये आप भरी भांति जानते होंगे, अपने दोस्तों में भी हम कोशिश करते हैं कि जहां हमको लगता है कि नहीं इसको किसी चीज में हेल्पफुली हमको आगे बढ़ाना है, तब भी हम ये यूज करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसको समझा सके ताकि वो ये चीज करने के लिए रेडी हो जाए। तो लोग ऐसे यूज करते हैं और आप भी डेली लाइफ में इस चीज से रूबरू जरूर होंगे। फोर उपाय आर जनरली स्पोकन टूगेदर इन सिंगल कॉलिक्वल फ्रेजेस। जैसे आपने ये पहले भी सुना होगा साम, दाम, दंड, भेद, तो उन्होंने बस वही बताया है, ये सभी जगह यूज होता है। यहां पर एक जे मॉर्गेंथाउ, ये हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं,
इन्होंने सिमिलर मेथड अपनी थ्योरी में डिस्कस करी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि पावर को बैलेंस कैसे करना है। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट। तो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले था कि किसी तरीके से ये भेद वाले में आप बता सकते हैं, पहले डिवाइड करो और उसके बाद रूल करो। कंपनसेशन का प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ दाम है वही कंपनसेशन का है। आर्मामेंट्स जो दंड हम बात कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, वहां पर आर्मामेंट्स को यूज किया है। और अलायंसेस जो संधि के बारे में बात करी वो अलायंसेस है। अब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्पाइस की जो उस समय गुप्तचर हुआ करते थे। तो ये इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर आता है, अर्थशास्त्र में इसको बताया गया है। दो तरह के स्पाइस होंगे, एक तो जो गुप्तचर जो ट्रैवलिंग वाले होंगे, जो जगह जगह जाकर आपके आपको सूचित करते हैं वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं या वहां पर कोई ऐसी साजिश हो रही है जो स्टेट के खिलाफ या विजिगिशु के खिलाफ हो सकती है, उनके बारे में बताया। वहां पर अगर कोई जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये षड्यंत्र अगर गुप्तचर ने आपके सुन लिया तो वो जल्दी से इन्फॉर्म कर देगा, ये ट्रैवलिंग वाले हो गए। और परमानेंट ये आप ही के जो आपका जो मंत्रालय होता है, आपके जो मंत्रिमंडल होते हैं विजिगिशु का, वहां पर ही ये उपस्थित होंगे। प्लस इनका काम ये होगा कि जो मंत्रिमंडल ही है उसके अंदर ही इनको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा मंत्री तो नहीं है जो घर का भेदी हो जाए, जो विजिगिशु के साथ भी मिला हो, प्लस दूसरी जगह भी उसकी बातचीत चल रही हो। तो ये तो पॉलिटिक्स है, ये आप बहुत अच्छे समझते होंगे। बस ये क्योंकि अर्थशास्त्र में उसमें किस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश करी है। अब जैसे इन्होंने फंक्शंस बताए हैं स्पाइस के, तो स्पाइस के क्या फंक्शन होंगे? सबसे पहले तो वैसी इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली हमको अचीव नहीं हो सकती है, वैसी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जो भी र्यूमर्स हैं, अफवाह है, वो सारी इकट्ठी करनी है और किंग के पास तक पहुंचाना है। षड्यंत्र की जैसे भी बात करी, तो षड्यंत्र के से संबंधित कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो पहुंचाना है, ताकि जो स्ट्रेंथ और हार्मनी है विजिगिशु की उस पर कोई आंच ना आए। उसके बाद है एनिमिटी, अमात्यास। अमात्यास क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो भी मंत्री है उन्हें अमात्यास कहते हैं। ये सप्तांग थ्योरी के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अमात्यास के बीच में अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि नुकसानदायक हो सकता है स्टेट के लिए, तो ये भी पता लगाना है। फाइंड स्टेट ऑफ माइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स टू क्रिएट हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। और साथ में गुप्तचर का काम यह भी है कि पब्लिक में जाए और पब्लिक में विजिगिशु के बारे में आम प्रजा का क्या सोच है वो भी किंग के साथ शेयर होना चाहिए, ताकि ऐसी पॉलिसीज लेकर आया जा सके जिससे प्रजा को उसके हित के हिसाब से ही हमारी पॉलिसीज निकल के आ सके। अभी जो हमने दो तरह की स्पाइस पढ़ी है, परमानेंट और ट्रैवलिंग वाली, उसमें कुछ नाम है वो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है काप्टिक। तो काप्टिक किस तरह के स्पाइस होंगे? ये स्टूडेंट के फॉर्म में स्पाइस हैं। ये ऐसे स्पाइस होंगे, काप्टिक स्पाइस जो हैं, ये ऐसे स्पाइस हैं जो कि बहुत ज्यादा नजर में नहीं आएंगे और इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। स्टूडेंट फॉर्म में कैसे कि अब ये स्टूडेंट ही है, ये क्या ही करेंगे। तो जब ऐसे वाले बात होती है तो वहां पर लोग इसलिए ट्रस्ट कर लेते हैं और इग्नोर कर लेते हैं। तो ऐसे फिर उदासस्थित, उदासस्थित वो होंगे जो संत हो गए या बहुत फेमस पॉपुलर हैं। ऐसे गृहपतिक ये पुअर फार्मर्स हैं या हाउस होल्ड में ही काम कर रहे हैं और हाउस होल्ड में रहते हुए काम करते हुए नजर रख रहे हैं। फिर है वैच्छिक, ये पुअर ट्रेडर जो मर्चेंट्स होंगे वहां के, वो भी अपने दुकान भी चलाते रहेंगे साथ ही नजर भी रखते रहेंगे। और तपस, तपस होंगे एसेटिक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, अलग अलग जगह है। तो तपस ये जो भी आपके धर्म गुरु वगैरह हैं, ठीक है, उन्हें हमने तपस कहा है। ट्रैवलिंग में आपको दिख रहे हैं सात्री। सात्री ये मैजिशियन, ये इम्प्रेसिव पर्सनालिटीज होंगी, मैजिशियन हो गया या इसके अलावा भी कोई और ऐसी जो कुछ ऐसा करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा और इन्फॉर्मेशन वहां से निकल जाएगी। मैजिशियन कैसे करता है? मैजिशियन आपको हेल्यूसिनेशन यूज करता है, आपको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, वो आपके सामने ही चीजें अपनी ट्रिकी चीजों से, अपनी स्पीड के थ्रू ऐसा कर लेता है। तो इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होती है कि लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि वो जो भी कर रहा है उसको मान लेते हैं। तो ये इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के बारे में है। फिर तक्षणा, तक्षणा मतलब मर्डरर। ये ऐसे स्पाइस होंगे कि जहां पर विजयकिशु ने कहा कि नहीं इसको खत्म करना है, तो वहां पर वो सेकंड भर नहीं सोचे और वहां पर वो काम हो जाए। तो कुछ ऐसे लोग भी बहुत जरूरी होते हैं, कोई भी ऐसा भेदी है जिसका तुरंत उस वक्त खत्म होना बहुत जरूरी है, तो वहां पर ये काम आएंगे। कौन? तक्षणा। रसद, रसद क्रूअल स्पाई है, ये नजर में भी आएगा और इससे लोग बचेंगे भी, डरते भी हैं इससे। उसके बाद है परिव्रज्जिका।
परिव्रज्य का ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन में टर्म के साथ आ जाए। पीएससी वाले बच्चे अगर आप दे रहे हैं तो हो सकता है 3 मार्कर में आ जाए या यूजीसी नेट में आपको एमसीयू पैटर्न में आ सकता है। तो ये वुमेन स्पाई होंगी, ठीक है, ऐसी औरतें, क्योंकि औरतें भी स्पाइस का काम करती थी तो ये वुमेन स्पाइस है। फिर बात कर रहे हैं, ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वॉर एंड विक्ट्रीज। वॉर एंड विक्ट्रीज में देखिए हमको सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ वॉर। तो सबसे पहले है पराक्रम युद्ध, ये डायरेक्ट और ओपन वॉर होगा। कूट युद्ध, ये इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये जो आपका महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जो पेशवा के टाइम पे युद्ध होते थे, इन लोग के युद्ध कैसे होते थे, ये सबसे पहले बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां होती थी वहां पर अपने जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है उसको तैयार करके रखते थे, और जब रास्ते से अपोनेंट निकल रहा होता था तब अचानक से अटैक करते थे, ये गुरिल्ला वॉरफेयर है। फिर तश्निम युद्ध है, गया ये प्रॉक्सी वार है। फिर है टाइप्स ऑफ विक्ट्रीज, तो विक्ट्रीज में हमको 3 टाइप की विक्ट्रीज पढ़नी। तो धर्म विजय, धर्म विजय है मेनली कॉन्सेप्ट ऐसा कि आप भले ही युद्ध कर रहे हैं पर आपकी कोई भी युद्ध की नीति अधर्मीय नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छल से जीत रहे हैं युद्ध को, प्रॉपर जो प्रोसेस है उसी हिसाब से आपको युद्ध लड़ना है। लोभ विजय होगा, जहां पर आप लोभ के जरिए, मतलब आप सामने वाले को इकोनॉमिकली इतना इंड्यूस करें कि सामने वाला आपकी बात मानने को तैयार हो जाए। और असुर विजय होगा, असुर विजय धर्म विजय का उल्टा है, जहां पर आप अनफेयर मीन्स के थ्रू अपने युद्ध को जीत रहे हैं। तो ये हमने कितनी चीजें डिस्कस कर ली आपसे, हमने सबसे पहले मेंटल थ्योरी डिस्कस कर ली, उसके बाद हमने डिस्कस किया आपके साथ षडगुण्य पॉलिसी, तो हमारी षडगुण्य पॉलिसी भी हो गई। फिर हमने डिस्कस किए स्पाइस, स्पाइस के बाद हमारी वॉर्स एंड विक्ट्रीज डिस्कस हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड में गया है तो इसे 2 बार जरूर देखिएगा, आप ये कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको यहाँ पर चीजें याद रखनी है और समझने की चीजें बहुत इजी हैं, आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अर्थशास्त्र का होगा। हम एक बार अर्थशास्त्रियों की, अभी तक हमने सारी पॉलिसीज पढ़ ली हैं, अब हमारा काम है कि एक बार अर्थशास्त्र को और अच्छे से पढ़ लें। तो अर्थशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स आ सकते हैं एग्जाम में उनको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।